हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग एससीआर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एससीआर की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए थायरिस्टर एससीआर इज द ऑप्शन नंबर ए पीएनपी डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी एनपीएन डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी पीएनपीएन डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी पीएन डिवाइस। तो फ्रेंड, बेसिकली जो एससीआर होता है वो उसमें चार लेयर होते हैं पीएनपीएन डिवाइस, ठीक है। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एन एस सी आर इज ऑप्शन नंबर ए फोर लेयर फोर जंक्शन डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी फोर लेयर थ्री जंक्शन डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी फोर लेयर टू जंक्शन डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी थ्री लेयर सिंगल जंक्शन डिवाइस। तो फ्रेंड, जो एस सी आर होता है उसमें फोर लेयर होती है पी एन पी एन, और फ्रेंड उसमें तीन जंक्शन होते हैं जी वन जी टू एंड जी थ्री। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एस सी आर हैज थ्री टर्मिनल, ऑप्शन नंबर ए कैथोड एनोड कॉमन गेट, ऑप्शन नंबर बी एनोड कैथोड ग्रिड, ऑप्शन नंबर सी एनोड कैथोड ड्रेन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, बेसिकली एस सी आर में तीन टर्मिनल होते हैं एनोड कैथोड एंड ग्रिड। तो ऑप्शन में जो हमारा ए होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विद द एनोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड द गेट सर्किट ओपन द एस सी आर इज सेट टू बी इन दी। एंड इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि एनोड पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड में, कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड पॉजिटिव है कैथोड के रेस्पेक्ट में, और गेट सर्किट ओपन है, तो एस सी आर को कौन से स्टेट में बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ऑप्शन नंबर बी रिवर्स कंडक्शन मोड, ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फिर अगर एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड के रिस्पेक्ट में और गेट सर्किट ओपन होता है, फिर उससे में एस सी आर को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बोला जाता है। तो ऑप्शन में जो हमारा सी होगा वो उसमें करप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन फाइव, इन द एस सी आर स्ट्रक्चर द गेट टर्मिनल लोकेटेड। फिर इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि एस सी आर में जो गेट टर्मिनल होता है वो कहाँ पर होता है। तो फिर बेसिकली जो गेट टर्मिनल होता है वो कैथोड टर्मिनल के नियर होता है। द गेट इज लोकेटेड नियर द कैथोड बिकॉज इट अलाउ फास्ट टर्निंग ऑन द डिवाइस व्हेन द गेट सिग्नल इज अप्लाइड वाई फॉरवर्ड बाइसिंग द सेकेंड जंक्शन। मीन्स ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। गेट टर्मिनल इज लोकेटेड नियर द कैथोड टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द कंट्रोल एलिमेंट ऑफ एन एस सी आर इज ऑप्शन नंबर ए कैथोड, ऑप्शन नंबर बी एनोड, ऑप्शन नंबर सी एनोड सप्लाई, ऑप्शन नंबर डी गेट। तो फ्रेंड, बेसिकली जो एस सी आर का जो कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है वो फ्रेंड गेट होता है। गेट के थ्रू हम एस सी आर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो उसमें डी होगा वो उसमें करप्ट हो जाएगा। और फ्रेंड, बेसिकली जो एस सी आर होता है वो सेमी कंट्रोल डिवाइस है, मतलब आप इसका जो टर्निंग ऑन प्रोसेस है वही केवल कंट्रोल कर सकते हैं, टर्निंग ऑफ प्रोसेस कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर सेवन, एन एस सी आर इज मेड ऑफ ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, एस सी आर बेसिकली बना होता है सिलिकॉन का, तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट, एंड एस सी आर बिहेव एज ए ऑप्शन नंबर ए न्यू डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर बी वाई डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल, ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड, बेसिकली एस सी आर जो होता है वो न्यू डायरेक्शनल डिवाइस है, क्योंकि फ्रेंड को उसमें करंट फ्लो हो सकते हैं केवल एनोड से कैथोड में ही करंट फ्लो हो सकती है, इसमें एस सी आर को बोलते हैं न्यू डायरेक्शनल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर नाइन, द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज इज द ऑप्शन नंबर ए एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट विद गेट सिग्नल अप्लाइड, ऑप्शन नंबर बी एनोड कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट विद नो गेट सिग्नल अप्लाइड, ऑप्शन नंबर सी कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट विद नो एनोड कैथोड वोल्टेज, ऑप्शन नंबर डी कैथोड वोल्टेज एट विच कंडक्शन स्टार्ट विद एनोड कैथोड वोल्टेज अप्लाई। तो बेसिकली फ्रेंड, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तब होता है जब एनोड से कैथोड के बीच का वोल्टेज कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हो बट आपने कोई भी गेट सिग्नल नहीं दिया, उस केस में फ्रेंड क्या होता है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है फिर एस सी आर हमारा ऑन हो जाता है, ठीक है। तो जिस वोल्टेज पर भी एस सी आर ऑन होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, और उस कंडीशन में हम लोग गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। इट इज द फॉरवर्ड वोल्टेज एंड विच द मिडिल जंक्शन ब्रेक डाउन विदाउट एनी गेट सिग्नल एंड पुश द डिवाइस इनटू द कंडक्शन
कंडक्टिंग स्टेट। उसने उपटेन इफ द कैथोड ऑफ एन SCR इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द एनोड एंड नो गेट करंट इज अप्लाइड देन। मैंने इसमें आपसे ये बोला गया कि अगर कैथोड को पॉजिटिव किया जाए एनोड के रिस्पेक्ट में और कोई भी आप गेट करंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं उस केस में फैन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए ऑल द जंक्शन आर रिवर्स वाइज। ऑप्शन नंबर बी ऑल द जंक्शन आर फॉरवर्ड वाइज। ऑप्शन नंबर सी ओनली द मिडिल जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज। ऑप्शन नंबर डी ओनली द मिडिल जंक्शन इज रिवर्स वाइज। तो बेसिकली फैन इस केस में क्या होगा, द डिवाइस इज इन द रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट, ओनली द मिडिल जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज वेयर एज द अदर टू जंक्शन आर रिवर्स वाइज। तो फैन द मिडिल जंक्शन होगा वही केवल फॉरवर्ड वाइज में होगा, बाकी के जो दोनों जंक्शन है वो रिवर्स वाइज में हो जाएंगे। तो उसमें ऑप्शन में जो हमारा इसमें सी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, ओनली द मिडिल जंक्शन इज फॉरवर्ड वाइज। क्वेश्चन नंबर 11 द मैचिंग करंट डैश देन द होल्डिंग करंट। ऑप्शन नंबर ए लोअर, ऑप्शन नंबर बी हायर, ऑप्शन नंबर सी सेम एज, ऑप्शन डी नेगेटिव ऑफ। तो फ्रेंड बेसिकली मैचिंग करंट होती है वो होल्डिंग करंट से ऑलवेज ग्रेटर देन होती है। फ्रेंड मैचिंग करंट टर्निंग ऑन प्रोसेस होती है और होल्डिंग करंट टर्निंग ऑफ प्रोसेस होती है। तो इसमें ऑप्शन में जो हमारा बी होगा वो उसमें करेक्ट हो जाएगा, मैचिंग करंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन होल्डिंग करंट। फ्रेंड आज हमने SCR के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करे। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।